हमारे पास अभी सारे जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, ये जा रहे स्टूडेंट, ये कल के फाउंडेशन रिजल्ट से सारे बच्चे यंग चैंप हैं, ये अभी जो रिजल्ट आए, सारे को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे तरफ से भी, और जितने भी टॉपर्स क्लासेस फैकल्टी हैं जिनसे इन्होंने पढ़ा, आशीर्वाद लिया और अच्छे रिजल्ट दिए सारे बच्चे। और इस बार का टॉपर्स क्लासेस का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, ठीक है। सारे बच्चे मोटिवेटेड हैं, जितने बच्चे आने वाले जो पेपर देने वाले हैं उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट सी इंस्टीट्यूट ने भी दिया है, ठीक है। हम पूछना चाहेंगे कि ये सफ़र हमारे साथ जो फाउंडेशन के रहा बच्चों से, ये हम लोग टॉपर्स क्लासेस में कैसे किया, हमने साथ कैसे तैयारी की, 6 महीने एक वक्त आया, 6 महीने काफ़ी समय लग रहा था कि कब रिजल्ट आएगा और कितने दिन पढ़ेंगे हम लोग, और आगे की सफर जो है आप कैसे करेंगे ये भी थोड़ा डिस्कस कर लें हम लोग साथ में, ठीक है। एक एक करके इंट्रोडक्शन देंगे अपना विथ मार्क्स। हेलो सर, मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम वंश है, वंश दुलानी। मैंने टॉपर्स क्लासेस से ही क्लास करी थी पूरी, और 76 नंबर्स आए आउट ऑफ 100, और ओवरऑल तो 272 है, थोड़ा सा कम रह गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको इस नंबर के लिए। हाँ, थोड़ा और होने चाहिए हमारे हिसाब से, जितने बच्चे हमारे पास खड़े हैं। जी सर। सर अब तो CA इंटर है, अब बोथ ग्रुप करेंगे सर, बोथ ग्रुप करना चाहिए, और अब तो टारगेट भी रैंक का ही रखा है। एकदम एकदम, बाकी आगे जैसा साथ देंगे भगवान। अगले साल ये मिलेंगे कि आप फाइनल में मिले। जी सर, रिजल्ट आता है। जी सर, जी सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, ठीक है। सर मैं भी कहना चाहूँगा आपको और पूरे टॉपर्स को थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम राजदीप मिश्रा है, एंड इवन आई कंप्लीटेड माय CA फाउंडेशन विद अ रैंक विद अ स्कोर ऑफ 203। यस सर, स्टेज खत्म हो गई, और ये जो 6 या 9 महीने का जो भी सफर रहा, दैट वॉज सो गुड। बहुत इंजॉय किया, बहुत पढ़ा हमने, और बाकी सारे टीचरों ने बहुत हेल्प करी टू कम्प्लीट करने के लिए ये सब हो। एंड अगेन मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज यू नो बच्चों को भी बोलना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं कैसे तैयारी करना चाहिए ऐसे ही। हाँ, सारे बच्चों को जैसे हम जानते हैं कि ये CA कोर्स है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है कंसिस्टेंसी। अगर CA बनना है तो जस्ट कंसिस्टेंसी चाहिए, और जो हमने किया, हमने बाकी मेरे दोस्तों ने, हम सब ने रेगुलर क्लासेस ली CA टॉपर्स क्लासेस से ही, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज सो मच सो गुड क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। हाँ बधाई आपको, आप अपना नाम बताइए, नंबर बताइए बस। माय नेम इज आदित्य एंड आई सिक्योर्ड 216 मार्क्स। ओके, बहुत बहुत बधाई, और थैंक यू टू माय टीचर्स एंड टॉपर क्लासेस ग्रुप, इन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा। दोनों ग्रुप लेनी है? हाँ सर, दोनों ग्रुप, दोनों ग्रुप पढ़नी है। हाँ सर, सोचना है, पूरी कोशिश करेंगे कि रैंक सिक्योर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने चांस दिया बोलने का। और ये मेरा नाम वरुण कुमार है, और मैंने टॉपर्स क्लासेस से ही क्लासेस करी थी। मैथ्स काफ़ी सही रहा आपके हिसाब से, और आपने जैसे पढ़ाया उससे काफ़ी बेनिफिट्स हुए मेरे। मैथ्स में सबसे हाईएस्ट ही गया 77, बाकी ओवरऑल जो है वो 264 था रिकॉर्ड। और अब जैसे मैं सबको ही बोलना चाहूँगा कि फाउंडेशन एक पहला स्टेप है, असली जो पढ़ाई है वो अब इंटर और फाइनल की। बिल्कुल, CA क्या टफ है, बहुत लग रहा था नहीं, फाउंडेशन ऐसा लग रहा, जैसे सर स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था टॉपर्स, तो इतने सारे बच्चे देख के, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस, क्योंकि हम लोग जो स्कूल से आए हैं, हमने 45-45 मिनट के सेशंस करे हैं, अचानक से 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास में थोड़ी हवा टाइट हो गई। धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये आई मीन अगर कोर्स इतना बड़ा है तो स्ट्रगल भी उस हिसाब से होगी। और फिर टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, आपका, आरती मैम का और प्रकाश सर, सारे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी अब तो इंटर है, और फाउंडेशन असली सफ़र यहाँ से स्टार्ट है। फाउंडेशन वॉज जस्ट 1% ऑफ द ओवरऑल कोर्स, असली जो है वो अब है। तो और जो भी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो काफ़ी वरिड था अबाउट स्टडीज़ एंड ऑल, कि कैसे होगा इतने सारे सब्जेक्ट्स और पढ़ाई होगी नहीं, और मैथ्स ना एक जनरली फोबिया होता है, आपकी वजह से काफ़ी कम हुआ वो। और टॉपर्स ने काफ़ी हेल्प किया ओवरऑल, बाकी फ्रेंड्स जो थे वो भी काफ़ी, कुछ फ्रेंड्स का नहीं भी हो पाया,
पता नहीं, हो सकता है बैड लक गुड लक, और जिनका हुआ वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी इंटर में तो आप दोनों पढ़ाई, दोनों ग्रुप साथ में लेके चलने हैं, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे राज ने बोला कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस तरह से आप लोगों ने जैसे बैठने की आदत होगी, पढ़ने की आदत होगी, उम्मीद करते हैं कि दोनों ग्रुप लेंगे, और जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, आप लोग चालू मैंने देखा लगातार रहने लगे रहे, वैसे लगे रहे, तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल आप फाइनल। यस सर, या थैंक यू सर सो मच। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, और जो बच्चे देखना चाहेंगे, जो बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं, जरूर मिले आप क्लास में आकर के, जो बच्चे यहाँ से पास कर रहे हैं मुझसे मिले, और कोशिश करें आके आगे दोनों ग्रुप लेने की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।